सवाल नंबर एक, हॉलीवुड की सबसे महंगी मूवी कौन सी है? सही जवाब, हॉलीवुड की सबसे महंगी मूवी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर्स टाइड्स है, जिसका बजट $379 मिलियन था। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का बजट $365 मिलियन था। सवाल नंबर दो, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब, क्रिकेट के नियम 7 के मुताबिक क्रिकेट पिच को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत पिच की लंबाई 22 गज यानी 20 मीटर है और चौड़ाई 10 फीट यानी 3 मीटर है। सवाल नंबर तीन, हवा क्यों नहीं दिखाई देती? सही जवाब, हवा कई गैसों का मिश्रण होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सारी गैसेस मिलकर हवा बनती है, और इन गैसों के अणु इतने अलग थलग और छोटे होते हैं कि वे अपने में से प्रकाश को गुजरने देते हैं और इस कारण हम हवा को नहीं देख सकते। सवाल नंबर चार, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल ही क्यों दिखाई देता है? सही जवाब, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय इन किरणों को दुगनी दूरी तय करनी होती है और इस कारण इस दूरी को तय करने के दौरान 7 रंगों से बनी इन किरणों में ज्यादातर रंगों का बिखराव होता है, जबकि लाल रंग की किरणें बहुत कम बिखराव लेती हैं, इसीलिए किरणें लाल दिखाई देती हैं। सवाल नंबर 5, हमें सोने के बाद सपने क्यों आते हैं? सही जवाब, हमारा दिमाग दिन भर में सैकड़ों चीजें देखता है और हर दिन लाखों इनपुट हमारे ब्रेन में सेट होते हैं। नींद के दौरान दिमाग इन सारी चीजों को सॉर्ट करने के लिए काम करता है, इसीलिए सपने आते हैं। सवाल नंबर 7, आंखों में से चश्मा कैसे हटाएं? सही जवाब, कुछ घरेलू उपाय इस प्रकार हैं, आंखों को आंवले के पानी से धोएं, आंखों में गुलाब जल डालने से भी ये स्वस्थ रहती हैं, नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करें और अधिक समस्या होने पर डॉक्टर के पास जरूर जाएं। सवाल नंबर 9, एम्बुलेंस पर 108 नंबर क्यों लिखा होता है? सही जवाब, दिवंगत YSR जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस योजना को अमल में लाया था। इसे अमल में लाते समय उन्होंने इसे 108 नंबर दिया है। उन्होंने इस नंबर को अमल में लाने से पहले जीवी के संस्था के साथ चर्चा भी की थी। सवाल नंबर 6, पानी में रहने वाली जीव जैसे मछलियां बर्फ जमने पर भी मरते क्यों नहीं? सही जवाब, झीलों, तालाबों आदि में पानी की केवल ऊपरी सतह ही जमकर बर्फ में बदलती है, नीचे का पानी नहीं जमता है। इसमें ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में होता है, इसीलिए सभी जीव जंतु इस द्रव पानी में आराम से रहते हैं और मरने से बच जाते हैं। सवाल नंबर 8, कंबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही जवाब, कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट कहते हैं। सवाल नंबर 10, जिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सही जवाब, जिम शब्द जिम्नेशियम से आया है। जिम्नेशियम के प्रथम 3 अक्षर GYM से जिम बना है। जिम उस जगह को कहा जाता है जहां पर लोग शारीरिक कसरत करते हैं। सवाल नंबर 11, 7 समंदर और 5 महाद्वीप को पार करने वाली पहली महिला कौन थी? सही जवाब, बुला चौधरी ने 24 वर्षों के करियर में 7 समंदर और 5 महाद्वीप जल डमरू मध्य को पार करने वाली पहली महिला बनी थी। सवाल नंबर 12, मुंबई के ताज होटल का एक दिन का किराया कितना होता है? सही जवाब, ये निर्भर करता है कि रूम कौन सा है, जैसे डीलक्स, सुपर डीलक्स, सुइट आदि। एक सामान्य रूम का किराया 12,000 से 15,000 तक होता है। सवाल नंबर 13, इंडिया में 5G कब लॉन्च होगा? सही जवाब, एक रिपोर्ट के अनुसार 5G चीन और भारत में 2020 में पेश किया जाएगा और 5G की स्पीड 4G सर्विसेज से 15 गुना ज्यादा होगी। सवाल नंबर 14, बंदूक की गोली को आसमान में मारने के बाद गोली कहाँ जाती है और किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती? सही जवाब, गोली आसमान में जाने के बाद वापस नीचे आ जाएगी और नुकसान इन बातों पर निर्भर करेगा, जैसे
गोली छर्रे वाली है या सॉलिड है, गोली कितनी ऊंचाई से गिर रही है यानी ज्यादा ऊंचाई ज्यादा नुकसान, शरीर के कौन से हिस्से पर गिरेगी, यदि सीधे सिर पर गिरती है तो बंदा याददाश्त खो सकता है। सवाल नंबर 15, क्या जानवरों को भी HIV एड्स होता है? सही जवाब, जानवरों को HIV एड्स की तरह दूसरे वायरस से एड्स जैसे रोग हो सकते हैं, जैसे कि SIV चिंपांजी में और FIV बिल्लियों में हो सकता है। सवाल नंबर 16, अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग कहाँ पर रखा है? सही जवाब, प्रिंसटन हॉस्पिटल ने आइंस्टाइन की मृत्यु पर उसके दिमाग का परीक्षण किया था और उसे 240 विभिन्न टुकड़ों में बांट दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का द मुठर म्यूजियम में रखा गया है। सवाल नंबर 17, कुतुब मीनार का निर्माण कब और किसने किया था? सही जवाब, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था। उनकी मौत के बाद अल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। सवाल नंबर 18, भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ियों की टी शर्ट का नंबर कैसे तय होता है? सही जवाब, भारत सहित विश्व के अन्य देशों के खिलाड़ी अपनी टी शर्ट का नंबर खुद ही चुनते हैं, लेकिन एक मैच में किसी टीम के दो खिलाड़ी एक ही नंबर की टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं। सवाल नंबर 19, अगर कौरव 100 भाई थे तो 100वां पैदा हुआ तब पहले की उम्र क्या थी? सही जवाब, कहानियां तो ये कहती हैं कि 100 कौरव भाई गर्भ से पैदा नहीं हुए थे बल्कि मांस के पिंड से पैदा हुए थे, और मांस के पिंड से रोज एक बालक जन्म लेता था, यानी 100 दिन में 100 कौरव ने जन्म लिया था। सभी की आयु में एक एक दिन का अंतर है। सवाल नंबर 20, हवा कैसे बनती है? सही जवाब, हमारी पृथ्वी गैस के अणुओं की परतों से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है, और ये वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना है। जब इन गैसों के अणु गति पकड़ते हैं तो उसे हवा कहा जाता है। सवाल नंबर 21, हमें मांस खाना चाहिए या नहीं? सही जवाब, इस दुनिया में इंसान दोनों प्रकार के आहार करते हैं। अब ये उस इंसान पर निर्भर करता है कि वो क्या खाए, ये उसकी रुचि, जाति, जलवायु, देश पर निर्भर करता है। सवाल नंबर 22, गैस स्टोव का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब, 1826 में ब्रिटिश आविष्कारक जेम्स शार्प ने गैस से जलने वाले स्टोव का निर्माण किया। सवाल नंबर 23, खाना खाने के बाद भी भूख क्यों लगती है? सही जवाब, खाना खाने के बाद भी भूख लगने का मुख्य कारण सही से भोजन न करना है। अगर आप जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं तो भोजन खाने के बाद भी आपको फिर से भूख लग सकती है। इसके अलावा अगर आप खाने में सही मात्रा में प्रोटीन और फाइबर नहीं लेते हैं तो बार बार भूख का एहसास होने लगता है। सवाल नंबर 24, लड़कियों की हाइट लड़कों से कम क्यों होती है? सही जवाब, एक रिसर्च के अनुसार महिलाएं आमतौर पर 15 वर्ष की उम्र तक ऊंचाई हासिल करती हैं, लड़के इसे 17 साल की उम्र तक हासिल करते हैं, इसीलिए लड़कों की हाइट ज्यादा होती है। सवाल नंबर 25, पृथ्वी कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमती है? सही जवाब, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चक्कर लगाती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स में एक पूरा चक्कर करती है। सवाल नंबर 26, क्या जैन लोग अंडे खाते हैं या नहीं? सही जवाब, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, अधिकतर जैन अंडे नहीं खाते लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने खाना शुरू कर दिया है। जैन लोगों को कभी भी लहसुन, प्याज, आलू आदि खाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए वे अंडे खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सवाल नंबर 28, बिजली के बिल में एक यूनिट यानी कितना वोल्ट होता है? सही जवाब, एक यूनिट ऊर्जा में 1000 वोल्ट और होता है। उदाहरण के लिए आपके घर में पंखे लगभग 100 वोल्ट के होते हैं, यदि आप इसे एक दिन में 10 घंटे चलाते हैं तब खर्च हुई ऊर्जा
100 वोल्ट को गुणा करके 10 आवर से यानी 1000 वोल्ट आवर होता है, यानी एक यूनिट बिजली। सवाल नंबर 28, ताजमहल में कितने कमरे हैं? सही जवाब, ताजमहल के अंदर कुल 120 कमरे हैं। ताजमहल बाहर से जितना ऊंचा है, ये धरती के नीचे भी उतना ही गहरा है। ताजमहल के नीचे करीबन 1000 गुप्त कमरे भी बनवाए थे। सवाल नंबर 29, मुकेश अंबानी कितना टैक्स भरते हैं? सही जवाब, आंकड़ों की माने तो मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी साल में 9000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स पे करती है। और एक इंटरव्यू में मुकेश अंबानी ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने 42,552 करोड़ रुपीस सिर्फ जीएसटी पे किया है। सवाल नंबर 30, दुनिया की सबसे क्लीन सिटी कौन सी है? सही जवाब, दुनिया की सबसे क्लीन सिटी कैलगरी, जो कि कनाडा में है, और 1.2 मिलियन से अधिक लोग इस शहर में रहते हैं। भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।